हाई फ्रेंड्स इतवे नम्बर पाकलना HMT कन्वेक्शन बेस्ड प्राब्लम पाता फ्री कन्वेक्शन बेस्ड प्राब्लम पाकपो फ्री कन्वेक्शन इत वो प्राब्लम सिलिंडर बेस्ड प्राब्लम सो कुर अंत प्राब्लते पाक चेनल यार सब्सक्रेबी सब्सक्रेबी पकड़ बेल बटन क्लिक पड़ी अब अप्डेट्स कटचिकटे स्टीम पाइप 10 सेंटीमीटर आउटर डाया प्लेस्ड हॉरिजॉन्टली इन योर रूम अट 23 डिग्री सेल्सियस outer surface temperature of the pipe as 165 degree celsius find heat loss per unit length of the pipe so idha question kuduthirukanga so kuduthukala vandu pathina inda problem la velocity values edhum kudukala so adanal nam idha enna nu eduthukalam kettingna free convection ah eduthukalam velocity kuduthundanga na forced convection so andha mari problem theerpaduchina keela playlist la description la irukku playlist la irukku check panni paathukanga so adu pathina innum konja clarity ah puriyum सो गिवन डेट अब कन्वेट पड़ोना इत वो स्टीम पाइप इत वो सिलिंड्रिकल बेस्ड पाइपन सिलिंड्रिकल बेस्ड ताने सो डायमीटर को 10 सेंटीमीटर अीटर कन्वेट पड़ी करो 0.1 मीटर सो आउटर सर्फेस कटीन रूम टेम्परेचर को 23 डिग्री सेल्सियस पाती सरउंडिंग टेम्परेचर वाल टेम्परेचर कटीन 165 डिग्री सेल्सियस पाइप आउटर टेम्परेचर 165 डिग्री सेल्सियस कटीर हीट लॉस पर यूनिट लेंथ कटर सो वाट पर मीटर के नम कूम सोल्यूशन फर्स्ट पड़नों नम व कैपिड़ी मारे पड़ना मोदी फ्लिम टेम्परेचर कैपिड़ी फ्लिम टेम्परेचर के TW प्लस टी इनफिनिटी डिवाइड बाय 2 सो रे वैल्यू सब्स्टिट्यूट पड़ रहा हूँ 165 प्लस 23 डिवाइड बाय 2 सो मीन फ्लिम टेम्परेचर वैल्यू 94 डिग्री सेल्सियस वो इन सिकल कटीन 94 डिग्री सेल्सियस नमक वो प्राप्टी ए एक्साटा 94 डिग्री सेल्सियस मुझा अगर इंटरपोलेशन यूस पड़ो इंटरपोलेशन यूस पड़ेप टाइम आगे सो पड़ा सिंपला प्राप्टी वो इत वो एटना सो पाक पाती एड़कूड़ा अभी स्टीम फ्लोलीटो स्टीम फ्लोलीप नम्बर स्टीमन वाटर नम वाटर स्टीम को यूस वाटर स्टीम कन्वेट पड़ी वर्द वैल्यूसा मेटीन करेक्टा सो अभी पाक पाती वाटर अंत प्राप्टी वैल्यूस फार वाटर यूस्फुला सो अभी पाक पाती वैल्यूस वह पाती 90 डिग्री 100 डिग्री वैल्यूस अद्क मीन वैल्यूंगा ईसिया वंर ऐसे 94 सो इत मीन 95 वो सो 94 95 वैल्यूंग कुछ नियरबा वो सो प्राब्लम 90 to 100 ईसिया सो अब पाती नाम डेंसिटी वैल्यू किनेमेटिक विस्कोसिटी डायनामिक विस्कोसिटी प्रांड्ल नंबर वैल्यू थर्मल कंडक्टिविटी वैल्यूलाटीन यूस्फुला सो अंत वैल्यूसा लिस्ट अवट पड़ी नेक्स्ट वह पाती कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन कैपिटे अब कटीन इत वो फ्री कन्वेक्शन इंटर डेल्टा देवपड़ो ऐसा जीआर नंबर कैपिटा सो बीटा इक्वल टू 1/TF इन केल्विन सो टीएफ वो 94 केल्विन मात्रक प्लस 273 सो नमक आंसर 2.72 इंटू 10⁻³ केल्विन -1 बीटा कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन नेक्स्ट ग्रास ऑफ नंबर जीआर सो अब स्ट्रेटा नमक वो डाइमेंशनलेस नंबरसो टेबल इलेना फ्री कन्वेक्शनसो सैडलो अटा बुक एपी यूस पड़े ना तनिया वीडियो को अभी प्ले लिस्ट चेक पड़ी पाको इन क्लियारटिया सो अभी जीआर ईक्वल टू जी बीटा डेल्टी डी क्यूब रो स्क्वायर डिवाइड बाय म्यू स्क्वायर सो इत प्लेटा इं एल क्यूब अब इत वो सिलिंडर इत डी क्यूबू सो अगर डी क्यूब अब यूस पड़ रहा करेस्पांडिंग वैल्यूस डेल्टी वाला TW माइनस टी इनफिनिटी इतना वैल्यू सब्स्टिट्यूट पड़ना जी वो 9.81 बीटा वो 2.72 इंटू 10⁻³ डेल्टी वो 142 इंटू डी वो डायमीटर वो 0.1 होल क्यूब इंटू रो वो 0.952 डिवाइडेड बाय इंगे म्यू वो पाती 21.675 इंटू 10⁻⁶ होल स्क्वायर सो मल्टिप्ले पड़ेप वैल्यूस फर्स्ट मेल वैल्यूस मल्टिप्ले पड़ी वैसे अदक्रमा डिवेड बै वैल्यूस मल्टिप्ले पड़ेप इत तनिया मल्टिप्ले पड़ी वेको इत तनिया मल्टिप्ले पड़ी वैसे कड़सि आंसर मट कंपे पड़ी ईसिया कालकुलेटर पे अब ट्राई पड़े टाइपनिंग समटम्स करेक्टा वो कुछ मिस्टेक कैरलेस मिस्टेक वाला आंसर तपा पेरों पाकें सो फाइनल जीआर वैल्यू 7.4 इंटू 10⁻⁶ पीआर आलरे प्राप्टीस अब मल्टिप्ले पड़ोना जीआर पीआर वैल्यू वह 5.1 इंटू 10⁻⁶ वो
ஸோ இது சிலிண்டர் அப்படிங்கிறதுனால நம்ம என்ன பண்ணோம் கேட்டிங்கன்னா, சிலிண்டருக்கான பேஸ் பண்ண சிலிண்டரோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அந்த ஃபார்முலாஸ் இருக்கக்கூடிய பேஜுக்கு போனோம்னா, இந்த பே நான் ரெஃபர் பண்ணுறது பார்த்திங்கன்னா 146 இருக்குது. இது வந்து 9th எடிஷன் புக்கில் இருக்கும். ஸோ அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நசல் நம்பர் ஈக்குவல் டு சிலிண்டருக்கு ஜென்ரல் ஃபார்முலா என்னென்னா, நசல் நம்பர் ஈக்குவல் டு சி இன்ட்டு ஜிஆர்டி பிஆர் ஹோல் பவர் எம்னு இருக்குது. இந்த ஜிஆர்டின்னு என்னங்கன்னா ஜி பீட்டா, அந்த எல் சொல்லியிருக்கீங்களா, பிளேட்னா எல் யூஸ் பண்ணுறோம், சிலிண்டர்னா டி யூஸ் பண்ணுறோம்னு சொல்லியிருக்கீங்களா, ஸோ அதை தான் இந்த ஜிஆர்டின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ரெனால்ட்ஸ் நம்பர் ஆர்இடின்னு கொடுத்தாங்கனாலும் அது வந்து இதுதான் அர்த்தம், டயாமீட்டர் யூஸ் பண்ணிக்கணும் லெங்த்துக்கு பதிலாங்கிறது அர்த்தம், ஓகேங்களா. ஸோ அப்போ அதனால் இதில் என்னென்னா இதுதான் காமன் ஃபார்முலா. இந்த சியும் எம்மும் எதை பேஸ் பண்ணியிருக்கோங்கன்னா ஜிஆர்பிஆர் பேஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இப்போ ஜிஆர்பிஆர் வேல்யூ 10^4 to 10^7 இருக்கிறதுனால நம்மளோட சி வேல்யூ எம் வேல்யூ என்னென்னா 0.48 0.25 சொல்லி அதில் இருக்கும் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ இதே மாதிரி வேரியேஷன்ஸ் இருக்கிறதுக்கு ஏற்றப்பல சி வேல்யூ எம் வேல்யூ மாறும். ஸோ இப்போ இந்த சி வேல்யூ எம் வேல்யூ இதை சப்ஸ்டிட் பண்ணோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நமக்கு என்யூ வேல்யூ கிடச்சிருச்சு. கிடச்ச என்யூ வேல்யூ வச்சுட்டு என்யூ ஈக்குவல் டு ஹெச்எல் பை கேங்கிற ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணுவோம். இந்த இடத்துல என்யூ ஈக்குவல் டு ஹெச்டி பை கேன்னு ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணுறோம். ஏன்னா இது வந்து சிலிண்டர். ஸோ அப்போ ஹெச் ஈக்குவல் டு இந்த கே இங்கே மல்டிபை பண்ணிடும், டி கீழே வந்துடும், என்யூ கே டிவைடட் பை டி. ஸோ என்யூ வேல்யூ 22.81 இன்ட்டு கே வேல்யூ 0.031 டிவைடட் பை டி வேல்யூ 0.1. ஸோ ஹெச் வேல்யூ கிடச்சிருச்சு 7.07 வாட் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர் கெல்வின். ஹீட் லாஸ் பர் யூனிட் லென்த்து கேட்டிருக்காங்க. ஸோ அதை பார்க்கணும். அதுக்கு க்யூஸ் ஈக்குவல் டு ஹெச்ஏ டெல்டிங்கிறது ஃபார்முலா. ஹெச் கண்டுபிடிச்சாச்சு, டெல்டி தெரியும், ஏ வேணும், பைடிஎல் ஃபார்முலா ஏரியாவுக்கு. ஏன் இதுக்கு பைடிஎல் ஃபார்முலா பை பை ஃபோர் டி ஸ்கொயர் எடுக்காமல் இது எடுக்கிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இது கன்வெக்ஷன் பேஸ்டு ப்ராப்ளம், அதனால் சர்ஃபேஸில் இருக்கிறத கன்சிடர் பண்ணுங்கிறதுக்காண்டி இது சர்ஃபேஸ் ஏரியாவாக கன்சிடர் ஆகிருக்கு. பைடிஎல் எடுக்கிறப்ப இந்த எல் வேல்யூ வந்து 1னு சப்ஸ்டிட் பண்ணோம்னா பை வேல்யூ தெரியும், டி வேல்யூ 0.1, எல் வேல்யூ 1னு சப்ஸ்டிட் பண்ணோம்னா நமக்கு வந்து பர் யூனிட் லென்த்து கிடச்சிரும். ஸோ இப்போ அந்த ஏரியா வந்து 0.314 மீட்டர் ஸ்கொயரில் இருக்குது. ஸோ அப்படியே சப்ஸ்டிட் பண்ணுவோம், ஹெச் வேல்யூ 7.07, ஏரியா வேல்யூ 0.314 இன்ட்டு டெல்டி வந்து 142 சப்ஸ்டிட் பண்ணோம்னா நமக்கு கிடைக்கிறது 315.24 வாட் பர் மீட்டர். ஸோ இது ஸ்ட்ரெயிட்டாக நமக்கு வந்து ஹீட் லாஸ் பர் யூனிட் லென்த்து க்யூ ஈக்குவல் டு 315.24 வாட் பர் மீட்டர் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்திருக்கோம், ஓகேங்களா. ஸோ இதே யூனிட் ஏரியான்னு கொடுத்துருந்தாங்கன்னா இந்த இடத்துல ஏரியாவுக்கு ஏ ஈக்குவல் டு 1னு சப்ஸ்டிட் பண்ணோம்னா பர் யூனிட் ஏரியாவாக கிடச்சிரும், ஓகேங்களா. ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு தேவைப்படும்னு நினச்சிங்கன்னா ஷேர் பண்ணுங்கள். எதுவும் டவுட் இருந்தால் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். சிவா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் சிவா சேனல்.